हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रियल ब्राइडल हेयर स्टाइल वीडियो, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंगल टीके वाली। मतलब एक होता है कि हमारा टीका जो काफ़ी हैवी होता है लड़ी वाला, उस टीके की वीडियो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आपकी ब्राइडल के पास सिंगल टीका हो, जैसे इस तरीके का एक टीका वो लगवा रही हैं बीच में ओनली, और सिंपल वाले जो टीके आते हैं इस तरीके से, अगर आपको किसी का टीका फिट करना हो खासतौर से ब्राइडल का, तो आपको उसको हेयर स्टाइल किस तरीके से बनाना है। हमारे जो ब्राइड का फेस है वो इस तरीके का है कि इनके साइड की जो पार्टिंग है वो बहुत अच्छी लगेगी इनके फेस पर, और हमारी ब्राइडल की भी नीड है क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे कई बार पहले वीडियो देखी हुई है मेरे चैनल की, तो उन्होंने मुझे मेरी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने साइड पार्टिंग में एक हेयर स्टाइल किया था, तो उन्हें उससे मिलते जुलते एक हेयर स्टाइल चाहिए। क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर ना, मेरे जो जितने भी क्लाइंट हैं वो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर ही हैं और वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरी वीडियो उनके किसी रिलेशन वगैरह में वो लोग भेजते हैं कि हमने वहाँ पे मेकअप कराया था तो ये हेयर स्टाइल की वीडियो बहुत अच्छी है, तो तुम्हें इस तरीके से कराना हो तो आप करा सकते हो। तो काफ़ी क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो अपनी मेरी वीडियो लेकर आते हैं अपना हेयर स्टाइल वगैरह कराने के लिए, तो मैं उसको देख के डिट्टो हम लोग उस तरीके का नहीं करते, बट हम हाँ उससे मिलता जुलता उनके कुछ और कर देते हैं जो उनको उससे भी अच्छा लगता है। तो इनके साथ में भी यही हुआ था। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इनका जो है वो पफ बना दिया है पीछे फिलर यूज़ करने के बाद। इनके बालों में मैंने क्रम्पिंग कराई थी, और क्रम्पिंग आप लोगों को पता ही है बालों में करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं क्रम्पिंग जरूर करवाती हूँ बालों में, क्योंकि उसको होल्ड करना बहुत आसान हो जाता है बालों को, और बहुत इजीली हम लोग कोई भी हार्ड से हार्ड हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल जो है वो हम क्रम्पिंग के साथ में बना सकते हैं, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है ये, इनका बाल ना बहुत ज़्यादा पतला था और बहुत ज़्यादा हल्का था जब हम लोगों ने इनके क्रम्पिंग की, तो उसके बाद जो इनका बाल हुआ वो काफ़ी मोटा हो जाता है क्रम्पिंग के बाद बाल, और काफ़ी थिक हो जाता है, उसके बाद हेयर स्टाइल बहुत इजीली हो जाते हैं। तो देखिए पीछे इन्होंने पफ बनाया इनके बालों में, पफ किस तरीके से बनाते हैं उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, क्रम्पिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। काफ़ी चीज़ों की, अगर आप लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग ना सर्च करिए मेरे चैनल को बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपको सब चीज़ों की वीडियो मिल जाएंगी सेपरेट भी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो हैं इनके छोटे छोटे से पार्ट ले रहे हैं, उनमें बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं हल्की हल्की सी, और उसके बाद जो हैं उनको सेपरेट करते चले जा रहे हैं। अब एक एक बालों को हम लोगों को मिलाएंगे हम लोग थोड़ा ढीला ढीला करते हुए, तो हमारा ना एक डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा बहुत सुंदर सा एक साइड से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने जिन बालों में छोटे छोटे पार्ट में, जिनमें क्रम्पिंग करने के बाद बैक कॉम्बिंग की थी और स्प्रे किया था हेयर स्प्रे, उसके बाद देखिए हम लोग जो हैं इस तरीके से उनको सेपरेट कर रहे हैं। जो हमारी पिन आती हैं, बॉबी पिन आती हैं, उस तरीके की पिनों से। तो देखिए इस तरीके से हम लोग ना थोड़ा सा ढीला करते हुए लेंगे, और भी मेकअप चल रहे हैं इनके साथ साथ, ब्राइडल मेकअप भी चल रहे हैं, पार्टी वेयर मेकअप भी चल रहे हैं पार्लर में, तो मैं बीच बीच में आपको उनकी क्लिपिंग भी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोग इनके एक साइड में ये लगा देंगे, उसके बाद जो पीछे का बाल जितना भी बचा है उसमें डालेंगे हम लोग डोनट, ठीक है, क्योंकि हमें जो इनका बालों को सेपरेट करना है वो इस तरीके से करना है कि हमें ना पीछे के बालों को पहले बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो हेयर स्टाइल जो है वो ठीक से नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। अब देखिए इन्होंने पीछे इनकी पोनी में डोनट डाला, डोनट को इन्हीं के बालों से कवर कर दिया, और उसी में से छोटे छोटे से पार्ट लेकर ये बालों के, और उसको रोल करती चली जा रही हैं, और उस डोनट के चारों तरफ जो है वो उसको लगा देंगी। ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, और ये एक मेरी एक क्लाइंट है जिनके रिंग सेरेमनी मेकअप हुआ है और ये अब जा रही हैं पार्लर से, तो जब कोई जाता है तो हम लोग इस तरीके से छोटी छोटी सी वीडियो बनाते हैं उन लोगों की, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। काफ़ी अच्छा इनका भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा था, और इनका हेयर स्टाइल भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँगी क्योंकि उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं अब आ गए हैं हम लोग अपनी मेन हेयर स्टाइल पर, जो हेयर स्टाइल हम लोगों ने अपने क्लाइंट के हम कर रहे हैं। पीछे की साइड में जितना भी बाल था उसके हमने छोटे छोटे से रोल बना बनाकर डोनट के चारों तरफ लगा दिए हैं, और अब आ गए हम लोग आगे। आगे जो इन्होंने छोटे छोटे से बालों में जो थोड़े थोड़े से पार्ट बनाए थे, मतलब क्रम्पिंग की थी, उन बालों को ये जोड़ती चली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने उन बालों में हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग की, स्प्रे किया, तो वो आपको ना अलग अलग दिखाई देंगे क्योंकि वो अलग अलग पार्ट थे। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद समझ में ना आए कि इन्होंने क्या किया था तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की, बट क्या होता है ना, कभी कभी सब कुछ बताया नहीं जा सकता है क्योंकि शब्द नहीं मिलते हैं कि इसको क्या बोला जाएगा,
तो इसलिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में इस तरीके के शब्द यूज़ करूँ जो सबको समझ में आए, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती हैं और कहीं कहीं पे लैंग्वेज जो है वो बहुत चेंज है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कोई मेरा सब्सक्राइबर हो जिसको मेरी वीडियो में मेरी लैंग्वेज सही से समझ में नहीं आए। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आता है। तो देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे से पार्ट के साथ में हमने ये आगे का इनका हेयर स्टाइल कर दिया। अब जो हमने पिन लगाई थी उसके बाद जो बाल बचे थे उसका हमने एक रोज टाइप का बना दिया, देखिए इन्हीं के बालों से, और उसको हमने इनके बालों में जो है वो टक कर दिया है पीछे की साइड को। अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे कि हम लोग ना सारे बाल लेंगे और उनको हल्का हल्का सा छोटे थोड़े थोड़े पार्ट बनाकर बालों के उनमें हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, और बैक कॉम्बिंग करते करते हल्का हल्का सा देखिए उन्हीं बालों को, क्योंकि साइड में जब हम लोग इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाते हैं तो दूसरी साइड बाल जो हैं वो बहुत कम बचते हैं, तो उसमें इतना कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग जो हैं ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और मेरा जो पूरा ब्राइड का जो हेयर स्टाइल था वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। जितने भी इस टाइम पे ब्राइड या पार्टी वेयर मेकअप चल रहे थे उन लोगों को सबको पसंद आया था, और मेरी ब्राइड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट क्या होता है ना, हम लोग ब्राइडल हेयर स्टाइल में अगर पीछे की साइड में कितना भी स्टाइलिश कर दें, बट बाद में क्या होता है कि हम लोग गजरा लगाएंगे, हम लोग उसको सजाएंगे, तो पीछे का जो डिज़ाइन है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, वो सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। बट मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइनदार आपको पीछे का हेयर स्टाइल दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप ब्राइडल का पीछे का हेयर स्टाइल सेम बनाते हैं। तो सेम क्यों बनाते हैं उसका रीज़न देखिए आप लोगों के सामने है कि हम लोगों ने देखिए गजरा लगा दिया, तो हमने जो भी डिज़ाइनिंग पीछे की थी वो सब ढक गई। और ज़्यादातर हमारे साथ में ब्राइडल के साथ में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग जो हैं वो रोज़ से उसको कवर कर देते हैं, क्योंकि यही स्टाइल आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है ब्राइडल हेयर स्टाइल में, कि ब्राइडल जो है वो पूरा जूड़ा पीछे का फ्लोवर से कवर कराना चाहती हैं। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये चीज़ ना आजकल फैशन में है, तो सभी लोगों को वही चीज़ चाहिए जो फैशन में है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इनके पूरे जूड़े को जो है वो रोज़ से और भी दूसरे जो फूल हैं उनसे कवर कर दिया है, पूरा ढक देंगे हम लोग, पीछे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि पीछे का जो हेयर स्टाइल होता है उसको बिल्कुल सिंपल रखिए, ताकि आप जब उसको सजाएं तो, क्योंकि सजाने के बाद तो आपका पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देना है, ओनली फॉर फ्लोवर वगैरह ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो फिर भी चलिए, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, आप लोगों को ये लग रहा था कि शायद इन्हें पीछे के डिज़ाइन जो हैं वो बनाने नहीं आते हैं या ये बनाती नहीं है। काफ़ी सब्सक्राइबर ना थोड़ा रूडली भी बात कर देते हैं इस चीज़ पर कि आप तो पीछे का एक साइड डिज़ाइन बनाती हैं, आपको आता नहीं है क्या? तो देखिए, आता हमें सब कुछ है, बट हमें क्योंकि पता है कि हम इतनी मेहनत पीछे करें और उस मेहनत पे हमारी 2 मिनट में पानी फिर जाएगा, तो वो काम मैं करना नहीं चाहती हूँ। और मैं आपको भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप लोग भी ऐसा करें, आप लोग पीछे का हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल रखिए। देखिए, जितना भी काम आपको करना है ना वो आप आगे करिए, आगे का जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसको चोटी वाला भी बना सकते हैं, उसको इस तरीके से बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। आई होप कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, और इनका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी तैयार होने के बाद कैसी लग रही थी, क्योंकि जब ये जा रही थी तो इनकी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल इनके ऊपर कितना सूट कर रहा है, कितनी प्यारी लग रही हैं ये। तो चलिए, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।